हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मिक्स ड्राइंग में। आज हम प्राकृतिक दृश्य बनाना सिखाऊंगा बहुत सरल तरीका से। प्राकृतिक दृश्य में झोपड़ी बनाने के लिए रेखा को हल्का खींचते हैं। इस प्रकार से आप भी रेखा खींचें। सिकेंड झोपड़ी बनाने के लिए रेखा को इस प्रकार खींचते हैं, जैसे आप देखते हैं ऐसे आप भी खींच लें। डार्क पेंसिल की सहायता से लाइन को डार्क कर लेते हैं। यहाँ पर एक पौधा बनाएंगे, जैसे आप देख रहे हैं। पहले आप भी इस प्रकार बना लें। ऊपर गोलाकार रेखा खींचते हैं, इस प्रकार से आप भी रेखा खींचें। यहाँ पर एक महिला का चित्र बनाएंगे। यहाँ पर एक पौधा बनाएंगे, इस प्रकार आप भी बनाएं। धरातल में घास भी कहीं कहीं बना लेते हैं। कलर पेंसिल की सहायता से शेड देंगे। इस प्रकार पहले आप हल्का शेड दें। इस साइड भी हल्का शेड देते हैं, जैसे आप देख रहे हैं। पहले हल्का शेड देते हैं। सेकेंड झोपड़ी में भी हल्का शेड दें। इस प्रकार धरातल को हल्का शेड देते हैं, ऐसे। पौधे में हल्का शेड दें। इस प्रकार से शेड देते हैं। ऐसे आप भी कलर शेड दें। ऊपर हल्का शेड, नीचे डार्क शेड देते हैं, जैसे आप देख रहे हैं। ऊपर साइड हल्का शेड है, नीचे डार्क शेड दिया गया है। इस प्रकार से कलर शेड देते हैं। धरातल में हरा कलर का प्रयोग करते हैं, आप देख रहे हैं। सेकेंड स्टेप का प्रयोग किया गया है, ऐसे आप भी सेकेंड स्टेप का शेड दें।
सभी जगह सेकेंड स्टेप का प्रयोग करें। इस प्रकार से पहले की अपेक्षा थोड़ा सा डार्क शेड देते हैं। थर्ड स्टेप का भी प्रयोग करेंगे। जैसे आप कलर पेंसिल की सहायता से देख रहे हैं, थर्ड स्टेप का शेड दे रहे हैं, ऐसे आप भी थर्ड स्टेप का प्रयोग करें। इस प्रकार आप भी थर्ड स्टेप का प्रयोग करें। जैसे आप देख रहे हैं, थर्ड स्टेप का भी प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से प्राकृतिक दृश्य बहुत सुंदर बन जाता है।